स्वागत है फिर से आपका एक नए लेक्चर में और इसमें हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन तो हमने पहले वीडियो में कवर कर लिया है और इसमें हम देखने वाले हैं कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन किस किस टाइप से एक्सप्रेस किया जा सकता है ठीक है कि मतलब किस किस तरह से सोल्यूशन का कंसनट्रेशन एक्सप्रेस किया जा सकता है तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग है एक्सप्रेसिंग द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कि सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को किस किस टाइप से एक्सप्रेस किया जा सकता है तो पूरे हेडिंग्स को तो कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है बट यहाँ पे जो भी है एक दो फॉर्मूले हैं दो फार्मूले हैं तो इसको हम एक, डि, डिस्कस करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है मास परसेंटेज ठीक है कि सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को सबसे पहले हम किस तरह से मेज़र कर सकते हैं मास परसेंटेज के द्वारा मास परसेंटेज बेसिकली होता क्या है कि द मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इस डिफाइंड एज मतलब उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन किसी भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट का टोटल मास कितना प्रेजेंट है अपान द टोटल मास अपान द सॉल्यूशन ठीक तो क्या हो जाएगा मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन ठीक है कंपोनेंट का कितना मास सॉल्यूशन में प्रेजेंट है किसी भी कंपोनेंट का किसी भी सोल्यूशन में कितना मास प्रेजेंट हो सकता है डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन टोटल सोल्यूशन का कितना मास हो सकता है मल्टीप्लाई बाई द हंड्रेड तो ये एक फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज मतलब W बाई डब्ल्यू जिससे हम मास परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं W बाई डब्ल्यू क्या होता है मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इन सोल्यूशन डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई द हंड्रेड तो ये तो हो गया टोटल मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी सोल्यूशन का मास परसेंटेज कैसे, कैसे कैलकुलेट करते हैं तो ये पहला फार्मूला आ गया इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल ही कवर करेंगे हम लोग ठीक है तो दूसरा क्या है इसे वॉल्यूम परसेंटेज ठीक है वो तो था मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं तो वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है वॉल्यूम परसेंट ऑफ द कंपाउंड किसी भी कंपोनेंट का किसी भी कंपाउंड का क्या करना होता है वॉल्यूम परसेंटेज अगर फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट की कंपोनेंट का जो वॉल्यूम प्रेजेंट है वो कितना प्रेजेंट है डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ़ द सोल्यूशन ठीक है पहले हम कंपोनेंट का वॉल्यूम ले लेंगे वो जितना भी प्रेजेंट हो ठीक है उसके बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन ठीक है सोल्यूशन की टोटल वॉल्यूम को ले लेंगे मल्टीप्लाई बाई द हंड्रेड हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट निकल के आ जाएगा फिर से रिपीट कर दूँ एक बार कि वॉल्यूम ऑफ़ द कंपोनेंट सोल्यूशन में कंपोनेंट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है सबसे पहले उसको ले लेंगे उसके बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन सोल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम होगा उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आ जाएगा तो ये दो फॉर्मूले हैं इसको इस वीडियो में सिर्फ इतना ही देखेंगे आगे के मोलारिटी मोलालिटी और नॉर्मेलिटी मोल फ्रैक्शन कई फॉर्मूले हैं उसको हम अपकमिंग वीडियो में कवर करने वाले हैं तो आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए धन्यवाद